अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जा रही हूँ सुबह सुबह मेरे भाभी के पास, जो वहाँ पर दावत दिए। मैं सुबह सुबह चले जा रही हूँ, है शाम में दावत। मेरे हस्बैंड सब लोग शाम में आएंगे, तो यहाँ पर मैं इसलिए जा रही हूँ, थोड़ा मेरे भाभी के साथ टाइम स्पेंड करे जैसा रहेगा, और थोड़ा मैं रुकना चाह रही हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। भाभी बोले कि तुम सुबह आ जाना, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है भाभी के पास जाना। तो यहाँ पर पहुँच गई मैं, और पहुँचते कि यहाँ पर भाभी प्याज काट रहे थे। मैं सोची कोशिश करेगी प्याज काटूँ थोड़ा बहुत। मैं सिर्फ प्याज काटी और कुछ काम नहीं करी, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मुझे कुछ काम करने नहीं दिए थे भाभी। तो यहाँ पर प्यारा सा फिश देखिए, कितना प्यारा दिख रहा ना, वो ज़बरदस्त दिख रहा। यहाँ पर भाभी पूरा इंतज़ाम करके रखे थे। तो यहाँ पर पकवान चल रही है शाम के लिए, अभी थोड़ी देर में। यहाँ पर मेरा फेवरेट चाय, जो मुझे बहुत पसंद है, तो चाय पी रही हूँ। यहाँ पर देखिए चुप्पू को, इसको क्या बनाने जा रहे हो अपन? कचालू। तो यहाँ पर कचालू बन रहा, थोड़ा स्नैक्स खाएंगे हम लोग। ये हमारे भाभी की तरफ की डिश है, तो ये उनके घर पे स्पेशल मसाला बनता है, ये बहुत टेस्टी रहता है। और ये थोड़ा यूनिक स्टाइल में, वो आलू को चालू बोल के गाना था ना, वो यही है कचालू। तो मैं पहली बार खाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो भाभी मेरे को बताया कि कैसा बनाते हैं। तो यहाँ पर आलू बॉईल करके इसको राउंड शेप में कट कर लेना है, और वो एक मसाला है, ये जो मसाला है ना, ये मसाला बहुत धनिया और ज़ीरा और कुछ था पता नहीं, याद नहीं आ रहा। हाँ, धनिया, ज़ीरा, सूखी मिर्ची, इसको भून के पाउडर बनाते हैं। और यहाँ पर खटाई डाल के और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते, और इसको मिक्स करके इसका खाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मुझे भी बाद में पता चला कि इसको ऐसा खाते हैं। तो अभी तो मेहमान और एक भाभी मेरे आने वाले हैं, वो रास्ते में हैं, मतलब है बहुत सारे है सब लोग, मतलब फ्रेंड भी होना, भाभी भी होना, हम लोग अच्छे, तो इसलिए यहाँ पर मिक्स हो रही है। तो यहाँ पर टेस्ट देख रहे, थोड़ा नमक वमक सब चख ले रहे। तो यहाँ पर आमचूर पाउडर भी डालते हैं, और इसमें और क्या, नमक स्वाद अनुसार डाल लेते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद चख लेना। हाँ, जान लो क्या कर सकते, जो है वही खाओ लो। देखो तेल, देखो कितना, अरे तो छानना उसे चिप्स। अच्छा, भुस्सा डालूं? भुस्सा डालूं मैं, ज्यादा डालूं? अब एक बार चखो, कितना कम दिख रहा, कम दिख रहा ऐसे है। क्या मस्त है स्वाद, देखो कम है। तो यहाँ पर कढ़ाई भी रखते हैं, जा रही है नल्ला छानने। मम्मा मेरा कमर में दर्द हो रहा, मैं हंस भी नहीं सकती जोर से, हंस तो हंस हंस के मेरी हालत हो गई ना, अभी क्या बोलूं। अब बचपन की तो बचपना याद दिला दे रहा, तो हंसना होगा ही ना। अच्छा नहीं, आप तो आपका हाथ भी नहीं दिख रहा, देख लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
तो ये हुआ, इस पे ये भरेगा। ये तो बस नाश्ता हुआ है। जो हमारे दूसरे भाभी आए ना, वो बाहर से आए थे, तो उनको दावत थी, हमारे को दावत थी, सबको दावत थी। अभी शाम में असली दावत शुरू होंगे, वो मैं शूट करना भूल गई, जो उसमें हर एक चीज़ बना था, जो यम से भी यमी था। इतना बेहतरीन बनाते हमारे भाभी खाना कि उंगलियां चाट लेना, बस मैं इतना बोल सकती हूँ कि इंशाल्लाह मैं कभी भी मैं इनके पास जाऊँगी तो बहुत सारे, अगर हो सके तो मैं रेसिपी शेयर करूँगी प्रॉपर वे में। तो अभी तो बहुत जल्दबाजी में मैं थी, तो सुबह से लेके इसलिए मैं नहीं शेयर कर पाई। तो यहाँ हमारे पड़ोसन या भाभी के पास क्यूट क्यूट लव बर्ड्स थे, तो मैं सोची चलो आप लोग को बता दूँगी। तो इसके बाद ना मेरा शूट नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग आ गए थे, सब उनके हस्बैंड सबके सब लोग आ गए थे मेहमान, तो इसलिए वहाँ पर हम लोग टाइम स्पेंड करे, तो उसमें हम लोग को कुछ भी टाइम नहीं मिला शूट करने का। The next day. तो अस्सलामुअलैकुम, फिर से ये है नेक्स्ट डे। हाँ जी, क्योंकि दावत से आने के बाद, उसके बाद क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोग को बोल चुकी कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं यहाँ पर हॉस्पिटल जा रही हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया था, क्योंकि मैं प्रॉपर रेस्ट नहीं ली। तो इसलिए तो सुबह सुबह हम लोग निकल गए मेरे हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल। माशाल्लाह रात में दावत इतनी मस्त थी, इतना बेहतरीन खाना खा के इतना मज़ा आ गया, मगर सुबह उठ के मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ रहा है, क्योंकि मुझे मेरा थोड़ा अब इशू चल रहा है, मेरे को मेरा थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस चीज़ को लेके। तो यहाँ पर हम लोग निकल के पहुँचने वाले थे, और आप लोग को शायद मेरे व्लॉग में, जो हमारे भाभी के पास का व्लॉग में, उसमें शायद लाइट कम दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर लाइट उतना ज़्यादा नहीं था, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए सॉरी। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉपर लाइट में शूट करूँ आपको, अगर रेसिपी शेयर करना चाह रही हूँ तो। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये बता रही कि ये स्कैन ना बहुत महंगा वाला होता है, ये स्कैनिंग कराई थी मैं, तो यही बता रही थी यहाँ पर। और हाँ, मैं कुछ भी नाश्ता वास्ता कुछ नहीं बनाई थी, सोचे हम लोग रास्ते में ही पहले बता लूँ, उसके बाद नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन हो रहा था मुझे। तो हम लोग निकल गए, तो यहाँ पर हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, थोड़ा लेट आ रहा है व्लॉग, प्लीज़ उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि इंशाल्लाह मैं प्रॉपर वे में मतलब डेली व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं डेली व्लॉग नहीं डाल सक रही हूँ। तो यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, पहुँचने के बाद यहाँ वेट चेक हो रहा, उसके बाद वहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद मेरा क्या बोलते बीपी और शुगर टेस्ट होगा, उसके बाद रिपोर्ट्स में लिखेंगे ताकि डॉक्टर देखते, उसके बाद यहाँ से बस अभी जाऊँगी, वेट करूँगी डॉक्टर की। और तो यहाँ पर रिपोर्ट्स देने के बाद अंदर मैं गई, जाने के बाद यहाँ पर बीपी और शुगर टेस्ट करके उसमें लिख देते उन लोग, उसके बाद डॉक्टर जब आएंगे तो देखेंगे। यहाँ पर मैं चेक करा ले रही हूँ, आप ही खुद देख लीजिए, आगे का आगे तक बने रहना, ठीक है। कल से मेरे को इतना दिन से पेन नहीं हो रहा। वीडियो
नहीं करेगी, करना है अभी जाके तो टाइम नहीं मिलता, पहले इतनी पब्लिक होती है, बाप रे इसमें बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा दादा दो टाइम बोला। तो यहाँ पर डॉक्टर आने में टाइम है, तो सोचिए जब तक मैं नाश्ता कर लूँ, क्योंकि मेरा खून निकालने वाले हैं लोग, मेरा ब्लड टेस्ट होने वाला है, इसलिए मैं सोची थोड़ा अच्छा खा लूँ यहाँ पर आप लोग के लिए। तो ढेर सारा प्यार जो भी मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे ब्लॉग्स को लाइक करते हैं, उन लोग के लिए मेरे बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर यम्मी यम्मी वाला पूरी आया, मेरे हस्बैंड को पूरी बहुत पसंद है और मेरे को डोसा बहुत पसंद है, और यहाँ का पूरी एंड डोसा वाओ एकदम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था, बहुत बेहतरीन था। तो आप देख के ही बोल सकते कि कितना टेस्ट में कितना अच्छा था ये। मैं तो इस पूरी के साथ तो तीन तीन चटनी दिए थे, और डोसे के साथ भी तीन चटनी एक सांभर दिए थे। वाओ कितना ज़बरदस्त था ये वाला नाश्ता ना, बहुत अच्छा लगा मेरे को और मुझे बहुत पसंद। हाँ मैं पहले पूरी मैं चख ले रही हूँ, ताकि थोड़ा चख के मैं उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पर वाली देख रही थी कि क्या कैसा है क्या नहीं है, वही मेरे हस्बैंड को पूछ रही थी। वाह बहुत यम यम था, देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है सर, सीरियसली। तो यहाँ पर वेटिंग कर रहे हैं डॉक्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बाप रे कहाँ कहाँ से आते हैं लोग यहाँ पर, बहुत ज़्यादा दूर से, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये डॉक्टर ना बहुत बहुत अच्छा देखते हैं इसलिए, और इसलिए हम लोग भी सुबह जल्दी आए। फिर भी सुबह जितना भी जल्दी आओ, फिर भी थोड़ा हम लोग का जो लाइन है ना थोड़ा पीछे ही था, थोड़ा वेट करना तो पड़ा यहाँ पर। मेरा ब्रेकफास्ट के बाद मेरा जो टैबलेट लेने का था वो लेने का टाइम आ गया था, और यहाँ पर मेरे को ना इंजेक्शन से डर है, दर्द से थोड़ा बहुत ठीक है, मगर जो इंजेक्शन देखती हूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ पर मेरा खून निकाल लिए इन लोग, ब्लड टेस्ट होगा यहाँ पर, ये 1 आवर के बाद रिपोर्ट्स मिलेगा, तो रिपोर्ट्स लेने के बाद ही करा लेंगे। तो यहाँ पर दवाई दे दिए, डॉक्टर को बता लिए, उसके बाद निकल चुके हम घर की तरफ, और रास्ते में सोचे चलो थोड़ा तबीयत ख़राब है तो मेरे हस्बैंड थोड़ा बोले चलो तुम फ्रूट्स ले लो, थोड़ा खाओ अच्छा रहो बोल के थोड़ा फ्रूट्स हम लोग ले लिए। बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिला यहाँ पर, देखिए आप लोग खुद, ये पूरा ना यहाँ पर सब्ज़ी वब्जी बहुत फ्रेश मिलती है, और फ्रूट्स भी बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर मैं फ्रूट्स लेके थोड़ा सब्ज़ी भी लेके वापस घर जाऊँगी, जाके देखूँगी कुछ काम है तो काम कर लूँगी, काम मतलब थोड़ा रेस्ट लूँगी। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर खरबूज़ा, और बहुत अच्छा रहता यहाँ पर, खरबूज़ा भी मैं ली, बहुत अच्छा था, तो वही चेक कर रही थी। और ये समर में ना खरबूज़ा खाने में मज़ा आता है, किस किस को मज़ा आता है बोलिए, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप लोग मेरे को, मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल को, तो बने रहना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसे ही मेरे इसको सपोर्ट करते रहना। तो फिर अच्छे अच्छे व्लॉग्स, तो मैं यही बोलते रहती हूँ कि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोग को शेयर करूँगी, बट मेरे से क्या है, मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब रहने से वजह से मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ, तो सॉरी उसके लिए। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी व्लॉग अच्छा प्रॉपर वे में डालने का। तो हम लोग यहाँ रात हो चुकी, तो रात हो गई है चलते चलते। यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ कितना ज़बरदस्त दिखते, वो तो मैं सोची आप लोग से शेयर कर लूँ। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा आज का व्लॉग, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए माशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना और अपना सेहत का ख्याल रखना। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।